हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है स्क्वेयर रूट ऑफ डेसिमल्स, कि हम किस तरह से डेसिमल्स का स्क्वेयर रूट जो है वो निकाल सकते हैं। लुक एट द डेसिमल नंबर 45.876। ओके, सो इसमें देखिए, इसमें ये जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस पार्ट इज नोन एज डेसिमल पार्ट। सो डेसिमल के बाद का पार्ट हम क्या कहेंगे बच्चों, डेसिमल पार्ट है, और डेसिमल से पहले का पार्ट जो होगा दैट विल बी द इंटीग्रल पार्ट। नाउ हाउ टू फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, सो कीप सम रूल्स इन योर माइंड। तो बेटा कुछ रूल्स हैं जिनको हमें डेसिमल जो नंबर्स हैं उनका स्क्वेयर रूट निकालने के लिए हमें उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रल पार्ट है और डेसिमल पार्ट है उनका हम अलग से सेपरेट पेयर जो है वो बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल साथ साथ करेंगे। देखिए 45.876 ये हमारे पास गिवन है, तो हमें जो डेसिमल के बाद है इनके पेयर जो है वो अलग बनाएंगे और इनके पेयर अलग बनाएंगे इंटीग्रल पार्ट के। मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल फॉर इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल पार्ट। तो बेटा पेयर बनाने के लिए हम डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड एंड एज वेल एज ऑन राइट हैंड। पुट बार ऑन द पेयर फॉर कन्वीनियंस, तो कन्वीनियंस के लिए हम बार जो है इस पे लगाएंगे। तो देखिए, उसके बाद हम स्क्वेयर जो है रूट निकालेंगे नंबर का। अब इसके अगर हमें पेयर बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डेसिमल के इधर एक पेयर ये बन गया और इधर देखें तो एक पेयर ये बन गया। अब देखिए ये अकेला रह गया, तो हम इसको जो है यहाँ जीरो लगा के और तब हम इसका पेयर यहाँ पर बना देंगे। ऊपर हम बार लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये इसके साथ इसका पेयर है सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा आपको यही समझाया गया है कि किस तरह से हम पेयर बनाएंगे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर जो है देती हूँ। देखिए, जैसे 2.7225 है, तो यहाँ पर अगर हम पेयर बनाते हैं तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ये टू अकेला है तो जीरो लगा के पेयर बना देंगे, वो गलत हो जाएगा। जीरो आप केवल एंड में जो है ऐड कर सकते हो पेयर बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट जो है एग्जांपल दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ 2.7225। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से ये इसके पेयर बन गए। उसके बाद देखिए, मेकिंग द पेयर यूजिंग बार। उसके बाद स्टेप टू हम करेंगे। स्टेप टू में हम सबसे पहले देखिए बेटा क्या करते हैं, हमें हमारे पास जो नंबर है वो है टू। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वेयर जो है वो टू से कम हो। जैसे वन का स्क्वेयर हमारे पास क्या आया, वन आया। टू का स्क्वेयर क्या होगा हमारे पास, फोर होगा। फोर जो है वो टू से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम टू का स्क्वेयर तो नहीं ले सकते। हमें क्या करना है, हमें वन का स्क्वेयर लेना है। तो बेटा नॉर्मल जिस तरह से आप स्क्वेयर रूट निकालते हो डिवीजन मेथड से, ये वही मेथड है, कोई इसमें अब चेंज नहीं है। ठीक है, तो देखिए वन का स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर हम नहीं लेंगे, वन का स्क्वेयर हमने लिया। अब बेटा जो वन हमने लिया है वन का स्क्वेयर, उसको हम तीन जगह लिखते हैं। इस तरह से लिखेंगे, वन को वन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और वन ही हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे। उसके बाद डेसिमल है, हमने डेसिमल यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन और वन को ऐड कर लीजिए, कितना आया, टू आया। और 72 जो पेयर है उसको हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर संख्या बन गई 172। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वन में वन ऐड किया हमने, टू आ गया। अब टू के साथ हमें एक ऐसी संख्या को सेलेक्ट करना है जिसको उसी से गुणा करने पर जो नई संख्या हमारे पास आएगी वो 172 यानी 172 से कम होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ, तो मेरे को 5 से ही इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 जा कितना हो जाएगा, 25, 2, 5 जा 10 एंड 12, तो कितना आएगा बेटा, 125 आएगा। अब 125 तो 172 से काफ़ी कम है, इट मीन्स हम 6 के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम 2 के साथ 6 लगाएंगे और फिर इसको चेक करेंगे, तो आएगा हमारा 156। अगर आप 7 के लिए ट्राई करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए 7 7 जा 49 एंड 7 2 जा 14 और 18 जो है यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया इससे, इसलिए हम क्या करेंगे, हम 6 पे ही लेंगे और हम लेंगे 26 जो है इसको 6 जा पे, तो ये आ गया हमारा 156।
ये हमने लिख दिया, सिक्स ही हम आंसर में लिखेंगे क्योंकि हमने सिक्स लिया है। उसके बाद 172 में से 156 माइनस किया तो हमारे पास आया 16, एक पेयर हमने ऊपर से उतार लिया 25, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 में आप 6 ऐड कर दीजिए, आएगा 32। अब हमें 32 के साथ फिर से एक ऐसा नंबर जो है सेलेक्ट करना है जिसको उसी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई जो संख्या आएगी, ठीक है, वो जो है नया जो नंबर होगा वो 1625 के इक्वल भी हो सकता है या उससे कम ही होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 1625। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट कट हो जाएगा और यहाँ पर आंसर में भी हम 5 लिख देंगे। इस तरह से हम जो है क्या निकालते हैं बच्चों, स्क्वेयर रूट वो निकालते हैं। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर दिया गया है मेक द पेयर ऑफ यूजिंग, आप देखिए यहाँ पर हमें जो दिया गया है फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 0.9 अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमें निकालना है 3 डेसिमल प्लेस तक। 3 डेसिमल प्लेस तक निकालने के लिए हमारे पास डेसिमल के बाद जो पेयर होने चाहिए वो भी 3 पेयर होने चाहिए। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर नंबर केवल एक ही है, यानी 3 पेयर का मतलब 6 होने चाहिए, तो 6 नंबर पूरे करने के लिए हम इसके साथ 50 हम इसके साथ लगा देंगे, फिर हम पेयर बना लेंगे 2 और 3 पेयर ये बन गए। अब देखिए मेक पेयर द नंबर यूजिंग बार, बार हमने लगा दिया, पुट 50 फॉर फाइंडिंग स्क्वेयर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमने हमने इसको ऐसे ही डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में डेसिमल है, हमने एज इट इज डेसिमल को पुट कर दिया, उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमारे पास है बेटा 90 में कौन सी ऐसी संख्या हम लेंगे, कौन सा नंबर लेंगे जिसका स्क्वेयर वो 90 से कम हो, तो हमारे पास होगा 9 का स्क्वेयर। 9 का स्क्वेयर कितना होता है, 81। तो 9 × 9 कितना आ गया हमारे पास, 81। अब 9 हमने आंसर में लिख दिया। अब 90 में से 81 गया, 9 हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। नया जो पेयर है हमने उतार लिया यहाँ पे 00। 9 को 9 से जोड़ दीजिए, 9 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आया, 18। अब 18 के साथ हमें एक ऐसी ही नंबर जो है सेलेक्ट करना है जिससे अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यू नंबर आएगा वो 900 से कम होगा। तो ये हमारे पास 4 पे जब हम करते हैं तो 736 आएगा। बेटा 5 पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, 5 पे आप ट्राई करोगे तो ये ज़्यादा जो है हो जाएगा। तो हमने यहाँ आंसर में भी 4 लिख दिया, रिमाइंडर बचा यहाँ से 164। नेक्स्ट पेयर हमने जो है नीचे ले लिया। उसके बाद देखिए 184 में 4 जो है प्लस करेंगे। ओके, प्लस किया तो 188, और फिर से 188 के साथ हमें एक ऐसी ही नंबर जो है चाहिए जो कि जिससे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यू नंबर आएगा वो इससे कम होना चाहिए, मे बी इक्वल भी हो सकता है जैसे हमने एक एग्जांपल में अभी पीछे किया था। तो इस तरह से हम आप इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो हमारे पास आता है 15104। इसमें रिमाइंडर बचेगा आपका 1296, लेकिन हमें 3 डेसिमल तक निकालना था तो हमारा 3 डेसिमल तक ये निकल चुका है। आगे हम अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई पेयर भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ गया आपका इसका जो है इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 0.948। अब यहाँ पर दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं बेटा सॉल्व। फाइंड आउट द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे ये क्वेश्चंस आपको उतने ही क्लियर होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है ये डिवीजन मेथड जिसे हमने किया है, और ये क्वेश्चंस जो है आपको दिए गए हैं 3 डेसिमल प्लेस तक इनकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं इनको सॉल्व। सो बेटा मेथड मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल समझा चुकी हूँ क्लियर। अब आप यहाँ से केवल जब आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको नहीं क्लियर होता है, कहीं पे कोई डाउट है, आप अपना आंसर मैच करना चाहते हो, तो आप इनकी हेल्प जो है आई थिंक आपको लेनी चाहिए, और यहाँ से आप जो है हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम इसी तरह से किया, हमने हमारे पास जो नंबर दिया गया था 23.453 था, 3 डेसिमल तक निकालनी है तो हमने इसमें 3 जीरो ऐड करके और इसके जो है क्या बना लिए, इसके पेयर बना लिए, और फिर हमने उसी तरह से इसको सॉल्व किया। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो।
तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन बेटा अगर हम हर एक का दूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और आप प्रैक्टिस जो है करेंगे तो अपने आप जो है ये आपको समझ भी आ जाएगा। अब देखिए ये है इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आप सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे, ये वाला यहाँ पे बेटा 258 होगा, ओके। सो यहाँ से आप जो है इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट जो होगा ये आपका होगा थर्ड पार्ट, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 17.2020, ये इसका स्क्वेयर रूट निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये है आपका फोर्थ पार्ट, ओके। यहाँ से आप फोर्थ पार्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 21.357 जो है, 3 डेसिमल तक निकालना है। अब देखिए हर एक हमने 3 डेसिमल तक जो है सॉल्व किया है, तो इस तरह से आप 3 डेसिमल तक इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।